तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं रूम को ठीक, रूम को नहीं कबर्ड को। तो एक्चुअली मैंने क्या किया था, इस वाले में मेरा है, इस वाले में लड्डू के पापा का है और इस वाले में दोनों बच्चों का है। तो वो ऊपर नीचे था, तो अभी क्या करेंगे ना, लड्डू का तो देख सकते हो आप लोग कैसे हौच पौच हुआ और इसी में छुटकी का भी कुछ कुछ आ गया और ये छुटकी का जो जो गिफ्ट वगैरह मिला था वो सब ऐसे ही रखा गया। बट अभी हम लोग इन दोनों के अलमीरा में सेट कर देंगे इन दोनों के कपड़े, और ये वाला मैं खाली करूँगी क्योंकि मेरे कपड़े के लिए जगह ही नहीं बच रहे। और ऑल्सो मैं अपने कपड़े जो अब मैं नहीं पहन रही हूँ, टाइट हो रहे हैं या फिर अब नहीं आएंगे मुझे, मतलब बहुत पुराने पुराने, उन सबको हटा दूँगी मैं। और थोड़ा सा क्लीनिंग भी करेंगे आज, क्योंकि आज का दिन खाली है, सब कुछ काम धाम हो चुका है। तो बस अभी रहने देते हैं, चलते हैं दूसरे रूम में और उस रूम का कबर्ड भी दिखाती हूँ, वहाँ पे छुटकी मत सो रही हो। एक ये जो अलमीरा है इसमें तो ये नीचे मेरे बुक्स हैं, ये भी मेरे बुक्स हैं, ये लड्डू के पापा के बुक्स हैं और कुछ फाइल्स हैं। तो अभी ये निकले हुए हैं क्योंकि उन्होंने कुछ कुछ निकाला था, और ये टेडी वेडी है तो ये सब निकालेंगे। और ये शेल्फ में हम लोग लड्डू का बुक जो भी होता है वो रखेंगे, और इसको भी देखते हैं कुछ तो ठीक करेंगे। यहाँ पे लड्डू के भी कुछ कुछ बुक्स हैं, यहाँ मेरे बुक्स हैं क्योंकि इधर जगह नहीं बचे थे। तो अभी इसको ठीक करेंगे एंड बस आगे लेके चलते हैं इस अलमीरा की तरफ। तो इस अलमीरा में ये भरा हुआ है, तो ये एक टॉय है जो लड्डू का टॉय बॉक्स है, और ये कपड़े हैं जो कि हम इसमें से साइड कर सकते हैं, और इसमें भी बेडशीट वगैरह रखती थी मैं, तो ये भी इसमें से भी निकालेंगे। ये भी कपड़े इधर से निकल जाएंगे, ये कुछ गिफ्ट्स जो मिले थे, ये नीचे भी गिफ्ट, तो ये सब अभी खाली करेंगे। और इसमें छुटकी और छुटका, यानी लड्डू का और छुटकी का, आध्या का, दोनों का ही प्राचित है और आध्या है। ये अलमीरा में पहुंच जा रहा है क्या? मॉस्किटो है, तुमको पीटेंगे, देखो मक्खी है। तो दो इधर, ये हम अभी उसमें रख के गए, निकाल लिया है। 5 4 3 2 1, ये है माँ का खौफ। बट अब इसको मैं रखी थी इसमें, अभी इसमें रखूंगी। मैंने नहीं किया है अभी तक ब्रेकफास्ट, तो अभी करेंगे ब्रेकफास्ट। फिलहाल सेट कर लिया जाए पहले, और ये झूला का आदत पड़ गया इनको। आ गया, लग रहा है ओके, वेलकम टू। खा लिया पपाया। मुझे नहीं खिलाओगे पपाया? सीक्रेट खोलेगा ये, क्या खाया क्या पिया। कल गई हम लोग गए थे तो सुहानी खिलाई थी इसको रोटी सब्जी, ऐसा सुहानी बोल रही थी, लेकिन लड्डू बोलता है खा लिया चौकोस मिल्क। तो वो बोली ये तो बोल रहे हैं चौकोस मिल्क, तो बोलती पहले चौकोस मिल्क खाया है और फिर खाया है रोटी। अभी दरवाजा खोलने के लिए इतना रो रहा था, नहीं तो ये आ गए अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। गए आराम से, खाना पीना लेकर गए तो मुझे लगा शाम हो जाएगा, लेकिन मैं 1 बजे ही वहाँ से निकल गया, तो मेरा सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कुछ भी हो रहा था, इंडक्शन मीटिंग सब कुछ हो गया। अभी 4 दिन मुझे रेस्ट करना है घर पे, ठीक है। 28 को जाना है? 28 को नहीं जाना है, 4 दिन रेस्ट करना है। रेस्ट मतलब कि अभी लैपटॉप फिल्टर वगैरह सब कुछ होगा। हाँ, फ्राइडे को वर्चुअल मीटिंग है, उसके बाद आएगा मुझे मेल पे कि लैपटॉप कहाँ से कलेक्ट करना है, ऑफिस से कलेक्ट करना है। ज्वाइन हो चुका है और आज रात में मेरा इम्प्लॉई लेट होके आ जाएगा, ईमेल आईडी सब कुछ। तो चलिए अभी व्लॉग को लेके चलते हैं आगे, आज बहुत काम है और मैं सोची थी सोऊंगी, तब तक ये बोल रही हूं कि आज का खाना अच्छा खाए, बाहर खाए। वाह 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 वाह, इससे सुहानी बोल रही है।
पार्टी है। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है कि आज पहली बार लड्डू के, पहली बार तो नहीं बट ये बोल रहे हैं, वैसे मैं बोलती हूँ हर टाइम बात, मतलब कि आज आज तो यार इतना बड़ा चीज हमारी लाइफ का। तो अभी देखते हैं आज लड्डू को क्या पार्टी देते हैं। मम्मा हाँ बेटा करो, मैं बिटिया कहाँ है, बिटिया रानी कहाँ है, बिटिया रानी एकदम झुलवास गई है तो उनको हम अभी सुलाए हैं और सो के सुला रहे थे। आ जाओ सुलाने। गाइस हमारे पास बेड होते हुए भी हम बिना बेड वाले रूम में सो रहे हैं, और रात में भी जब मुझे हल्के नींद में सोना होता है तो मैं इधर सोती हूँ क्योंकि उस वाले पे सोती हूँ ना तो मेरे को एकदम नींद आ जाती है। बट बहुत जल्द हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं फर्नीचर इस रूम का, फर्नीचर नहीं बेड लूंगी मैं क्योंकि बाबू को नीचे सो रही है और मैं भी सो रही हूँ नीचे तो थोड़ा वो हो रहा है, और उस रूम में नहीं सो रही क्योंकि लड्डू के पापा का ऑफिस वगैरह रहता है तो वो उठ जाते हैं, और परसों तो दो बार ऐसे सोते सोते गिरने वाले थे क्योंकि गोद में लिए थे छुटकी को, तो मैं बोली कि चलो एक जन ही रात में परेशान हो तो ज़्यादा बेटर है, तो मैं छुटकी को लेके इधर सो जाती हूँ, मैं सुहानी और छुटकी, बाकी सुहानी तो उठती ही नहीं है, उसको असर ही नहीं होता है और सुहानी ब्लॉग शूट कर रही है और मैं और ये सोते हैं और आराम से उठ जाते हैं। कांग्रेचुलेशन टू अस, क्या मेरी बिटिया रानी, बिटिया रानी लंगोट पहनी है और पहनी है आई लव डैड, आई लव डैड, उठा क्यों दी यार, जगी थी नहीं जगी थी, सोई थी, सोई थी छुट्टी चली थी। चल हमारी बेटी होने के बाद हमारा अच्छा अच्छा काम थू 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 थू। हाँ नहीं गाइस मत बोलो क्योंकि कल ही नजर उतारे फिर वो डीओ मार रहा है। गाइस अब ये घर पे सबको बताने जा रहे हैं, वैसे तो हम लोग भी अभी ऐसा मतलब लड्डू के पापा के साथ ऐसा था कि जब कोई काम शुभ हो जाता था तब बताते थे, बट मैं ऐसी हूँ कि मैं पेरेंट्स लोग को तो बोल देती हूँ कि मतलब एक बार राय ले लीजिए और पूछ लीजिए, बाकी हमारा डिसीजन बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि मैं एक बार ले लेती हूँ तो मैं फिर पीछे नहीं मतलब हिलती हूँ, वो सोच के अगर मुझे पसंद आ गया तो आ गया, मुझे अगर करना है तो करना है, बट हाँ अगर पेरेंट्स भी उसमें हाँ बोल देते ना तो बहुत मस्त एक सपोर्ट मिल जाता है। तो अभी फिलहाल घर पे पापा को पता था, भैया को पता था, सबको पता था कि आज ज्वाइनिंग है, लेकिन आए क्या होगा क्या होगा क्या होगा करके सब थोड़ा सस्पेंस में रहते, तो अभी चलते हैं फटाफट से देखते हैं घर वालों का क्या रिएक्शन है, और गिफ्ट ब्लॉग के लिए बहुत वेट कर रहे हैं। आज आप लोग को एक बात बताती हूँ मैं, कि जब ना हम ऐसे मैं बोल रही थी मुझे सेकंड बेबी प्लान करना है तो लड्डू के पापा बोल रहे थे नहीं हमारा फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा नहीं है कि हम सेकंड बेबी करेंगे, क्योंकि एक को हम लोग अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे सब कुछ करेंगे एक ही, बट क्योंकि लड्डू उतने अच्छे से डेवलप नहीं कर रहा था तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं आपको क्या है नहीं है मुझे नहीं पता, बेबी बॉय हो गर्ल हो जो भी हो चलेगा लेकिन मोस्ट प्रोबेबली गर्ल ही चाहिए थी, तो फाइनली भगवान जी इसीलिए आपको बोले कि आप घबराओ मत, आपका जो चीज भी है देखो कंडीशन ऐसा हुआ फाइनली आई, ये आने के पहले ही अपना सारा रास्ता क्लियर करके आई और ये आने से पहले ही अपना सब कुछ लेके आ गई, घर का हर एक चीज, इनफैक्ट रजिस्ट्री भी इसके आने के पहले ये करवा के आई है, इनफैक्ट रजिस्ट्री का छोड़ना मेरा जॉब चेंज इसके शायद गोद भराई के दिन ही हुआ, जॉब चेंज हुआ और गोद भराई के दिन गाइज आप लोग बिलीव नहीं करोगे लेकिन मुझे कोलैबोरेशन मिला था और सीधे वो का मिला था कि मतलब मैं एक अमाउंट बता दे रही हूँ बट वो मैंने कंटिन्यू नहीं किया पूरा करूंगी पक्का, लेकिन हाँ मैंने अप्रॉक्स उसका मतलब कुछ अमाउंट किया था और ऑल ऑफ सडन गोद भराई के दिन ही मुझे भी आया और प्रिंस को भी वो सेम डे गुड न्यूज आया, और सेम डे पापा का कुछ एजुकेशनल उससे था प्रॉब्लम तो वो ठीक हुआ, तो इतना कुछ गोद भराई के दिन अच्छा हुआ था। हवा प्रणाम ठीक अभी बहुत से अरे ऐसे परेशान कर
मोबाइल देगा तेरे पर हाँ मोबाइल लिख दिया आप मोबाइल लिख दिया था पापा जी से बात करने के बाद हेलो अभी बात हो रही है सासु माँ से यानी मेरी मम्मी से ज्वाइनिंग हो गया ज्वाइनिंग हो गया टीसीएस में आगे घर पे हाजिरी देती है ये बोलती है अटेंडेंस में लगवा लीजिए अच्छा रहा मैम इसका बढ़िया रहा शाम तक ईमेल ये एम्प्लॉय आईडी बन के आ जाएगा वो कम से कम बहुत लोग 40-50 लोग थे सबका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया सब कुछ हो गया कहीं बढ़िया है पैसा अच्छा है सब कुछ ठीक है मेन बात है कि घर के पास में 10 किलोमीटर पे है कंपनी तो ज़्यादा बढ़िया है वो हाँ आधा घंटा जाने में ट्रैफिक रहेगा तो मैक्सिमम आधा घंटा जाना आधा घंटा आना अच्छा सा काम कीजिए भगवान करेंगे तो हम आगे बढ़िए तो लैपटॉप पूरा मिलेगा और ये सब चीज़ होगा ऑफिस लगता है मंडे से जाना होगा क्योंकि एक हफ्ता में पूरा सारा चीज़ लग खाना पीना भी हुआ नहीं अभी खाना पीना होगा अभी अरे सब में हुंकारी भरना जरूरी है बात कर रही है ये भी सुन रही है सही बात है कि अब तो लगता है कि अब सब कुछ आसान है तब क्या लड़की कहा था नहीं कि जॉब चेंज कल है नहीं ज्वाइनिंग हो गई आज अच्छा ज्वाइनिंग हो गई हाँ ज्वाइनिंग का क्या है घर पे आ गई नहीं सब रह गए ज्वाइन करें ज्वाइन का कहीं नहीं हाफ टाइम ना वाला ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी उन लोग पूरा हो गई ना ठीक बा अच्छा आ कहना लो कि अब फ्राइडे से मतलब फ्राइडे के मीटिंग बा अच्छा मंडे से ऑफिस जाएगा मैं अच्छा वो छोड़ देंगे वो तो गुरुवार के दिन छोड़ देने कुछ ना बैठे नहीं जाते अभी खाना पीना हो ही